अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। बीजेपी की डिजिटल रैली का ये है पूरा सच। अखिलेश यादव ने साझा की एक एक जानकारी। अखिलेश यादव ने रैली के मकसद से उठाया पर्दा। कहा जनता के बीच जाने लायक नहीं बची बीजेपी। अखिलेश यादव के सीधे वार से बीजेपी तिल मिलाई। बीजेपी ब्रिगेड ने खोल दिया अब सपा के खिलाफ मोर्चा। एक तरफ कोरोना से जंग तो दूसरी तरफ सियासी गंगा को पार करने की जुगत। बीजेपी दोनों ही मामलों में बाजी मारने की कोशिश में लगी है। हालात ये हैं कि कोरोना के केस हर रोज नए कीर्तिमान लिख रहे हैं और बीजेपी का ध्यान उन राज्यों पर है जहां इस साल के अंत तक विधानसभा के चुनाव होने हैं। बीजेपी कोरोना से निपटने के लिए कम बल्कि नए राज्यों में सरकार बनाने के लिए सबसे ज़्यादा बेचैन है। ऐसे में बीजेपी ने बिहार पर नज़रें गड़ा दी हैं और बिहार में पहली डिजिटल रैली की जा रही है। बीजेपी ने डिजिटल रैली की तैयारी की तो फिर उत्तर प्रदेश की सियासत में गर्मी आ गई। समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव ने मामले पर निशाना साधा और बीजेपी की डिजिटल रैली पर एक के बाद एक कई सवाल उठा दिए। साथ ही अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कई संगीन आरोप भी लगाए। हालांकि अखिलेश यादव के आरोपों पर कई विपक्षी दलों के नेताओं ने दबी जुबान में सहमति दी है, लेकिन किसी ने भी खुलकर कुछ नहीं कहा। सबसे परे अखिलेश यादव ने हमेशा की तरह अपने चिर परिचित अंदाज में बीजेपी को आड़े हाथों लिया और बीजेपी की डिजिटल रैली पर निशाना साधा। अखिलेश यादव की माने तो बीजेपी बिहार में दूर से ही डिजिटल चुनावी रैली कर रही है, क्योंकि उसने देश और देशवासियों की जो बर्बादी की है उसकी वजह से वो जनता के बीच सीधे जाने के लायक बची नहीं है। करोड़ों लोगों की जिंदगी को रास्ते पर लाने की तैयारी के बजाय भाजपाई चुनाव की तैयारी में जुट गए, शर्मनाक। अखिलेश यादव ने साफ शब्दों में कहा कि बीजेपी के लिए ये जरूरी नहीं कि जो लोग लॉकडाउन में प्रभावित हुए हैं, जिनकी रोजी रोटी का इंतजाम बीजेपी को करना है, बल्कि बीजेपी के लिए सत्ता बेहद जरूरी है और इसीलिए बीजेपी बिहार में डिजिटल रैली की तैयारी कर रही है, जो बताता है कि बीजेपी हर हाल में सत्ता का सुख चाहती है। अखिलेश यादव ने कहा कि रैली की तारीफ तो तब होती जब रैली से पहले जो बेघर हुए, जो बेमौत मारे गए, उनके लिए सरकार कुछ खास ऐलान करती और उनके परिवार के लिए कुछ बेहतर इंतजाम किए जाते, लेकिन यहाँ तो सत्ता की सेज पर सोने का इंतजाम पहले से किया जा रहा है, जो बेहद शर्मनाक है। आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव के इस बयान पर बीजेपी क्या पलटवार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।